रतलाम जिले के आलोट में गुरुवार को खबर मध्य प्रदेश का असर देखने को मिला है। शासकीय महाविद्यालय जावरा रोड ताल पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा प्राचार्य भरत सिंह मैडा पर पैसा वसूली का आरोप लगाने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए प्राचार्य को पद से हटा दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले शासकीय महाविद्यालय जावरा रोड़ताल पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्राचार्य भरत सिंह मैडा के खिलाफ अवैध वसूली एवं आधार कार्ड के नाम से पैसा वसूलने का आरोप लगाया था। वहीं इस मामले में एबीवीपी विद्यार्थियों ने चक्का जाम भी किया था। उसको संज्ञान में लेते हुए मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्राचार्य प्रभारी भरत सिंह को पद से हटा दिया एवं महाविद्यालय में पदस्थ राजेश मेढ़ा, सहायक अध्यापक हिंदी को उनके कर्तव्यों के साथ शासकीय महाविद्यालय ताल का प्रभारी प्राचार्य का दायित्व सौंपा गया है। राजेश मेढ़ा ने इस मामले में जानकारी दी। सर, जो आरोप लगे हैं वो बच्चों ने जो आवेदन दिए हैं और शासन स्तर पर जो कार्रवाई चल रही है सर, उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे जो अधिकार क्षेत्र में है, 27 जनवरी 2021 को शासन ने प्रोफेसर भरत सिंह मेढ़ा को उनके महाविद्यालय के प्राचार्य के पद से प्रभार से मुक्त कर दिया है और 27/1/2021 से मुझे प्रभार दिया गया है। तो आदेश के परिपालन में मैंने 1 फरवरी 2021 को शासकीय महाविद्यालय ताल के प्राचार्य का प्रभार संभाल लिया है। वो असिस्टेंट प्रोफेसर के दायित्व पर हैं अभी यहाँ पर राजनीति विज्ञान के और अध्यापन कार्य करवा रहे हैं सर। ये सर शासन के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा हम सब उसके अधीन होते हैं सर।